हाँ तो बॉलीवुड की एक और ऐसी मूवी देखनी पड़ गई जिसको देखकर अपने आप से ही आप सवाल पूछोगे कि यार क्यों देखी ये मूवी, किस लिए देखी, क्या जरूरत थी इस मूवी को देखने की। फिर पछतावा और हो रहा होता है कि यार मतलब पैसे खराब कर दिए। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले युद्धरा मूवी के बारे में। इतना अजीबो गरीब ये जो नाम रखा है या फिर इतना सोचने के बाद ये जो नाम रखा है, इसका थोड़ा बहुत भी मेहनत अगर इसकी स्क्रिप्ट पे कर लेते तो शायद आज गाली खाने के काम ना कर रहे होते। और इस मूवी की जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है। मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है वो भूल गए होंगे एक्शन बोलने के बाद, फिर उन्होंने कट करना छोड़ दिया होगा, फिर जो भी मतलब रिकॉर्ड हुआ कैमरे में उसको बनाकर उसका एडिट करवाकर रोज दिया थिएटर में। सोचो थिएटर में आई है मूवी, ना किसी ओटीटी पे ना टीवी पे, सीधा थिएटर पे उनको रिलीज करने के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। बात करेंगे इस एक्शन इस थ्रिलर भरी मूवी की कहानी के बारे में। तो देखो एक युद्धरा नाम का व्यक्ति है जिसके माता पिता जो हैं वो बचपन में उसके मतलब डेथ हो जाती है। पिता उनके पुलिस में होते हैं, काफी ईमानदार पुलिस वाले होते हैं। अब युद्धरा को एंगर इशू है, एंगर इशू बोले तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। क्यों इसलिए क्यों आता है, क्योंकि बेचारे के पास काम धाम नहीं है, बेरोजगार इंसान है, बेरोजगार को गुस्सा ही तो आएगा। काम तो काम उसने क्या बना रखा है, गुस्सा लाना ही तो काम बना रखा है। तो उसको अपने पिता के बारे में कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई के बारे में पता चलता है कि हाँ उसके पिता क्या ड्रग माफिया के पीछे पड़े हुए थे। अब वो ड्रग माफिया को खत्म खुद करना चाहता है, इसलिए वो पुलिस का एक सीक्रेट ऑफिसर बन जाता है ताकि वो ड्रग माफिया को खत्म कर पाए। तो क्या वो युद्धरा जो है वो ड्रग माफिया को खत्म कर पाता है? ऑब्वियसली इसका जवाब सबको पता है कि हाँ कर पाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे कर पाएगा। ये जो जर्नी है करने की, खत्म करने की, वो कितनी इंटरेस्टिंग है वो देखने वाली बात होती है। तो उसके सामने क्या क्या नए नए राज खुलते हैं, कैसे ये प्रॉब्लम आती है उसके सामने, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, पहले तो ये वीडियो कंप्लीट कर जाना। पैसे बचा रहा हूं आप लोगों के, मतलब इतना रुपया तो मैं भी नहीं ले रहा हूं, कुछ चिल्लर 1 रुपया 2 रुपया या फिर कुछ पैसे ही तो मिलेंगे इस वीडियो से, उतना ही ले रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, आप लोगों के पैसे बच सके। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी की चर्चा। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या अच्छा है। वैसे ये अच्छा बोलने में मेरे मतलब होंठ कांप रहे हैं कि यार इस मूवी के अंदर मुझे अच्छा भी छांट के आप लोगों को बताना है। पहले तो इस टॉर्चर को देखो नहीं मतलब झेलो, इसको झेलने के बाद घर पे आके इस मूवी के बारे में लिखो। ऑब्वियसली मैं चीजें लिखता हूँ कि मुझे मूवी के अंदर क्या बोलना है, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या इसकी स्टोरी है, वो सब चीजें लिखनी पड़ती है। और उसको मतलब लिखने के लिए यार सोचो इसको वापस याद करना पड़ता है, वो बहुत टॉर्चर वाला एक मतलब टाइम होता है मेरे लिए। क्योंकि अगर मूवी अच्छी नहीं होती है, बहुत घटिया होती है, उसने सर में दर्द कर दिया होता है, तो यार वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। सेम इस मूवी साथ था। तो अच्छे के लिए मैं तो ये बोल सकता हूँ इस मूवी में जो इसके अंदर परफॉर्मेंस है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी लगी मुझे। जो एक मालविका मोहनन है उनका भी जो किरदार है वो भी अच्छा है। इसके अलावा जो मुझे बढ़िया जो इस मूवी में अच्छी चीज लगी है, फिर बहुत बढ़िया कलाकार जो मुझे इस मूवी में लगे हैं वो है राघव जुयाल, उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। किल मूवी में मैंने उनको देखा था, जिस तरीके का उन्होंने नेगेटिव रोल उस किल मूवी में किया था वो बहुत ज्यादा दमदार था। और इस मूवी में मैं कहूंगा कि काफी बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया, यानी किल मूवी के मुकाबले भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और केवल यही कलाकार नहीं है, बाकी जो सपोर्टिंग कलाकार हैं जैसे कि राम कपूर हो गए, गजराज राव हो गए, इनके जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। कुछ एक ऐसे सीन है मूवी के अंदर जो सरप्राइज के तौर पर हमारे सामने आते हैं, डेफिनेटली वो मूवी का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। तो ये हो गई मूवी की अच्छी अच्छी बातें। इससे तो ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं यार बोलने का कि मूवी की अच्छी अच्छी चीजें मैं बोल पाऊं, बस इतना ही था इसके अंदर अच्छा। अब बात करते हैं मूवी की जो कमियां हैं उसके बारे में। जो सबसे बड़ी कमी है इस मूवी की वो है इसकी स्क्रिप्टिंग, इसकी राइटिंग, इसका स्क्रीन प्ले, तीनों एक ही चीज है। क्योंकि स्क्रीन पे क्या चल रहा है वही राइटिंग ही या फिर वही जो स्टोरी है वही तो हमें देखने को मिलती है। ये भाई साहब इतनी घटिया राइटिंग है, बिना सर पैर की वो चीजें हमारे सामने रख दी गई है। या फिर बॉलीवुड का वो रिपीटेड कंटेंट हमने कितनी बार देख रखा होता है कि हाँ यार एक के माता पिता मर जाते हैं, उसको बाद में पता है नहीं क्या पता चलता है, जो एक उसके पीछे राज होता है वो सबको पता है। मूवी की स्टार्टिंग में आप पता लगा लो कि इसकी एंडिंग में क्या होने वाला है, इस तरीके का तो प्रेडिक्टेबल है इसके अंदर। फिर ऊपर से बिना लॉजिक के, बिना ही कुछ सोचे समझे मूवी की कहानी लिखी गई है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं की गई, बस चीजें चल रही हैं, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से जा रहा है, बस चला दो मूवी। एक तरीके से कैमरा किसी ने नया नया चलाना सीखा होगा और उन्होंने सोचा कि यार कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, लोगों को परोस देते हैं, जनता तो बेवकूफ है देख ही लेगी, और वाकई में उन्होंने वही काम किया। और जब मैं मूवी देख रहा था वाकई में ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं जब कुछ एक सीन इस मूवी में आए तो मैंने अपने साथ में बैठे इंसान का मुंह देखा, मैंने कहा यार उससे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं यार तुझे समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है इस मूवी में,
मुझे कुछ अच्छा लग रहा है इस मूवी में। और मैं सच कहूं, अगर कोई फॉरेनर साथ में बैठा होता तो मैं तो साफ मना कर देता, भाई साहब ये मूवी इंडिया की है नहीं यार। इस तरीके का इन्होंने काम किया कि शर्म देखने वाले को आ रही है और हमें एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है कि ये मूवी भारत की है। इतनी घटिया तरीके से उस मूवी को डायरेक्ट किया गया है यार, वाकई में वो सरदर्द है। इसके अलावा मूवी में जो भी एक्शन है वो यार उनको आप बढ़िया कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं, उन जैसे एक्शन को जो इस मूवी में देखने को मिले। अगर आपको बढ़िया एक्शन ही देखने थे, कोई बाहर की मूवी नहीं कह रहा हूँ कि बाहर के एक्शन को आप देख लो, नहीं, भारत में ही बनी किल जो मूवी है जिसमें आप एक्शन देखेंगे, इतने बढ़िया, इतने जबरदस्त, इतने ओरिजिनल एक्शन है यार, वो देखकर आपको लगेगा वाकई में काबिले तारीफ वाला काम कर रखा है। एक ट्रेन के अंदर पूरी मूवी शूट की गई है, जिस तरीके का काम किया गया वो वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन आप देखिए इस मूवी में जो डायरेक्शन है वो कितना घटिया है, जो एक्शन है वो कितने घटिया है, मतलब टोटली टाइम वेस्ट है, टोटली पैसा वेस्ट किया गया है जनता का भी और खुद का। जो सॉन्ग रखे गए हैं मूवी में वो कुछ ऐसे सॉन्ग है कि आप थिएटर से बाहर आओगे आपको वो याद ही नहीं रहे। वैसे ये अच्छी चीज में मुझे डालना चाहिए था कि वो चीजें याद नहीं रहती हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो वो ना यार बिल्कुल बेकार है। ओवरऑल मूवी की बात करें तो अगर आपको राघव जुयाल के लिए अगर मूवी देखनी है तो डेफिनेटली आप ये मूवी देख सकते हो, अपने रिस्क पर देख सकते हो। क्योंकि बाकी मूवी में अगर कोई एक्शन की बात करूं, कोई स्टोरी की बात करूं, कोई परफॉर्मेंस मतलब उसको हटा दें, कोई सॉन्ग की बात करें, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, वो बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, एक सर दर्द कर देगी आपके, मतलब सर नहीं दर्द कर सकती है। तो मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, इस तरीके की घटिया मूवी देखो, मतलब इससे तो बेटर रुपए जो है आपको वेस्ट ही करने हैं, तो मतलब समझ सकते हो मेंबरशिप ले लो उसमें चले जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।